इसको जानने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनका शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, पतले दुबले हो जाते हैं। अब उनके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो उनको ले जाते हैं दुकान पे, मतलब कि दुकान नहीं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर अब उसको क्या देता है, बूस्टर। देखिएगा, बहुत सारा दवाई आता है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, पाउडर टाइप का, या फिर दवा भी आता है कि जिससे खाने के बाद कोई मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। नहीं तो वही कमजोर आदमी को क्या करना है, मजबूत बनाने का काम करता है बूस्टर। सेम टू सेम ये आदमी के केस में था, यहाँ पे ये सिग्नल के केस में है। ठीक है, इसमें सिग्नल के केस में है कि जो वीक सिग्नल है उसको बूस्ट करने का काम करेगा ये बूस्टर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से तो आप लोग परिचित हैं, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है, पर ये बूस्टर एम्पलीफायर है, क्या करेगा, वीक सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये फिगर है, फिगर में आपको क्या है, ये यागी उडा एंटीना है। हम लोग ये 3 यूनिट पढ़ेंगे, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, तो वहां पे मैं बताऊंगा ट्रांसमिटिंग के लिए कौन सा एंटीना यूज होता है और कौन सा एंटीना रिसीविंग के लिए। तो चलिए मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, दो ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि रिसीविंग के लिए कौन सा एंटीना यूज करते हैं, रिसीवर में कौन सा एंटीना, तो यागी उडा एंटीना, यागी उडा एंटीना, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, यागी एंटीना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यागी एंटीना के नाम से भी जानते हैं, हम लोग वहां पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो टर्न स्टाइल एंटीना, टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल एंटीना, ये दोनों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यागी उडा एंटीना, ये रिसीवर का पार्ट है, यागी उडा एंटीना, इससे ये क्या है, एक वायर के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, तो बूस्टर एम्पलीफायर जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये बूस्टर कंट्रोलर है, और उसके बाद ये टीवी को दिया जा रहा है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि कहां पे यूज करते हैं और ये कैसे यूज करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बूस्टर एम्पलीफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व्हिच एम्पलीफाई इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, व्हिच एम्पलीफाई इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। दो दो बार रिपीट हो रहा है, यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या होगा, व्हिच, यहां से यहां इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या है, तो ये हमारा क्या है, बूस्टर एम्पलीफायर क्या है, तो बूस्टर एम्पलीफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व्हिच एम्पलीफाई द वीक टीवी सिग्नल, वीक टीवी सिग्नल बिफोर द ट्यूनर, ट्यूनर को जाने से पहले क्या करता है, वो उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है, और फ्रिंज एरिया में, फ्रिंज एरिया क्या होता है, फ्रिंज एरिया वैसा एरिया जहां पे सिग्नल बहुत वीक होते हैं, जैसे हम लोग देखते होंगे गांव में जाते होंगे तो आपका मोबाइल का जो सिग्नल है, टावर जिसको बोलते हैं, नहीं मोबाइल का टावर, मोबाइल में ऐसा ऐसा कुछ टावर बनता है, नहीं ऐसे ऐसे आगे बड़ा रहता है सर, फिर उसके बाद छोटा रहता है सर, ऐसे छोटा वाला फोन में हमारे पास है, उसमें ऐसे ही टावर बनता है, दिखाएं, देखिए देखिए ये है टावर, दिख रहा है ऊपर SIM 1 SIM 2 दिख रहा है ना, SIM 1 SIM 2 दिख रहा है, यही हमारा टावर, क्या है हमारा, यही हमारा टावर। तो ये जब हम फ्रिंज वाले इलाके में होते हैं तो वो टावर का सिग्नल क्या होता है, चला जाता है, बहुत ही चला जाता है, और वो यहाँ कहते हैं कि एक ये 2 3 4 जो ये दिख रहा है ना, ये टावर नहीं रहता है जिस इलाके में, वहां पे ये एक ही दिखेगा, एक ही दिखेगा, समझ गए, जब फुल है तो इट मीन्स वहां पे अच्छा, मतलब कि सिग्नल पकड़ रहा है। तो सेम टू सेम ये वाला कंडीशन इस टेलीविजन इंजीनियरिंग के केस में भी उड़ मतलब कि निकल जाता है, वैसा इलाका फ्रिंज एरिया किसको कहते हैं, वैसा इलाका जहां पे टेलीविजन सिग्नल वीक है, जहां पे टेलीविजन सिग्नल अच्छे से नहीं पकड़ पाता, जिसके कारण से यहां पे क्या किया जाता है, फ्रिंज मीन्स डेट एरिया व्हिच हैज पुअर रिसेप्शन ऑफ टीवी सिग्नल, वैसा इलाका जहां पे पुअर हो मतलब कमजोर हो, कमजोर टीवी सिग्नल, टीवी सिग्नल वहां पे बहुत कम पहुंच रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज एरिया कहते हैं।
देखिए, ऐसे तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में सिंस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम मेनी टाइप ऑफ रिसीवर आर डेवलप विच इज मोर एंड मोर सेंसिटिव बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन फ्रिंज एरिया दैट इज ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल इज पुअर। देखिए बहुत सारे रिसीवर बन चुके हैं आज तो हम लोग सुपर हेटरोडाइन की दुनिया में हैं, फिर भी कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे क्या होता है कि सिग्नल जो है ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो है वो वीक होने के कारण से वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है बूस्ट करने की, और वहां पे ये क्या किया जाता है तो बूस्टर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। क्या होता है इस प्रॉब्लम के कारण से, जहां फ्रिंज एरिया है जहां पे बीक सिग्नल है वहां पे इस बीक वाले सिग्नल से क्या प्रॉब्लम होता है, तो हेंस स्नोइंग पिक्चर एंड हिसिंग साउंड सरसराहट आर रिसीव्ड एट रिसीवर। टीवी पे जब हम पिक्चर देखते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये झिलमिला रहा है, तो सेम टू सेम इसी तरह से क्या होता है, अभी आपको फ्लक्चुएशंस दिखा ना, उसी तरह से फ्लक्चुएशंस आपके स्क्रीन पे जब बिग सिग्नल होगा तो टीवी वाले में पिक्चर में हो जाएगा। यहाँ पे तो ये ट्यूबलाइट के फ्लक्चुएशन के कारण से आपको दिखा, लेकिन वहां पे क्या होगा कि उस बिग सिग्नल के कारण से पिक्चर में फ्लक्चुएशंस होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्नोइंग। स्नोइंग एक प्रक्रिया है पिक्चर की हिसिंग थे, और फिर ये हिसिंग साउंड ये सरसराहट, और ये टीवी पिक्चर में घरघराहट मतलब कि कट व्यूट या फिर कुछ दिखाएगा कुछ नहीं दिखाएगा, तो इस तरह का ये स्नोइंग पिक्चर। देखिए इसका एक स्टोरी मैं बताता हूं, फिफ्थ सेमेस्टर का मैं एग्जाम दे रहा था, एग्जाम देते देते ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये कितने नंबर में आता है तो 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बूस्टर एम्पलीफायर, या फिर शॉर्ट नोट में ये चिपका देता है, समझ रहे हैं ना, शॉर्ट नोट या टेक्निकल नोट में ये चिपका देगा बूस्टर एम्पलीफायर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बूस्टर एम्पलीफायर को चिपका दिया था। अब मैं जब लिखने लगा तो लिखते 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 यहां तक आया, तो ये तो लिख दिया फ्रिंज एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता, बट ये मैं स्नोइंग पिक्चर और ये हिसिंग साउंड का ये मीनिंग ही भूल गया, मतलब ये याद ही नहीं आ रहा था कि क्या होता था। तो देखिए यहां पे देख रहे हैं हिंदी में एकदम लिखा हुआ सरसराहट, तो वहां पे मैंने लिखा इसके कारण से फ्रिंज एरिया में क्या होता है टीवी सिग्नल में सरसराहट घरघराहट होता था, जब पिक्चर में झिलमिलाहट हो जाता है, और इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं तो बूस्टर एम्पलीफायर। तो यही है एग्जाम देते समय आपको अगर मीनिंग वगैरह सब भूल जाता है तो वहां पे ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे अब क्या लिखूं, जो भी मन में आए, मेरे मन में आया कि हमने याद ये था कि हिंदी में इसको कहते थे सरसराहट और घरघराहट, और टीवी के पिक्चर में क्या आ जाएगा तो झिलमिलाहट आ जाएगा, तो वो लिखा मैंने आगे बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड, लिखिए और आगे बढ़िए वो आपको नंबर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये फिगर में देख रहे हैं हम लोग, ये एग्यूडा एंटीना यहां से सिग्नल को रिसीव कर रहा है, पर उसको रिसीव करके ट्यूनर का होता है, तो टीवी वाले में होता है ट्यूनर, टीवी वाले में होता है ट्यूनर, एक स्विच होता था, ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में जाओगे पहले हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते, तो एक ट्यूनर होता था जिससे हम लोग ट्यून्ड करते थे, चैनल का सिलेक्शन ऐसे हट हट के करते थे ना वही, तो उसको से पहले ही हम लोग क्या लगाते रहे एक बूस्टर एम्पलीफायर लगाते रहे, और इसको बूस्टर कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल कर दे रहे हैं। देखिए ये आगे उड़ा एंटीना क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद बूस्टर एम्पलीफायर उसको क्या करेगा बूस्ट करने का काम करेगा, बूस्ट कर दिया, और बूस्ट करने के बाद ये बूस्टर कंट्रोलर के थ्रू किसको दे देगा टीवी को दे देगा, टीवी में क्या होगा तो टीवी क्या करेगा टीवी अपना वर्क करेगा, वही स्कैनिंग का सिंक्रोनाइजिंग का और क्या होता था उसमें प्लैंकिंग सर्किट होता था ये सारा कुछ, और उसके बाद टीवी के पिक्चर ट्यूब पे आपको क्या मिल जाएगा तो वो लाइट के फॉर्म में विजुअल डिस्प्ले पे हो जाएगा जिसको आप आसानी से देख पाओगे। तो ये होता है उसमें क्या होगा बूस्टर एम्पलीफायर लगा दिया तो पिक्चर भी क्लीन आ रहा है और साउंड भी अच्छा आ रहा है, साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये ही है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ कह रहा है कि however we can improve the signal using a additional amplifier coupled with the receiving antenna, कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को ये जो स्नोइंग पिक्चर और हिसिंग साउंड आ रहा था इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक एडिशनल सर्किट लाया, वो क्या लाया तो बूस्टर एम्पलीफायर इसको कनेक्ट कर दिया एड कर दिया गया किसके पहले तो टीवी के ट्यूनर के पहले बूस्टर एम्पलीफायर लगा दिया गया कपल कर दिया गया इस एंटीना के थ्रू इस एंटीना के साथ कपल कर दिया गया कपलिंग कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि बीच बूस्ट ये क्या किया जो सिग्नल रिसीव किया ये आगे उड़ा एंटीना उस वाले ये
सिग्नल को ये क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया। कह रहा है कि बीच बूस्ट इनकमिंग सिग्नल देन दैट टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड बूस्टर एम्पलीफायर। वो जो एडिशनल एम्पलीफायर लगाया गया जो क्या कर रहा है कि वो जो सिग्नल है, रिसीविंग सिग्नल है, उसको बूस्ट करने का काम कर रहा है। तो वही एडिशनल जो सर्किट है एम्पलीफायर है उसी को नाम है क्या, बूस्टर एम्पलीफायर। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा एडिशनल सर्किट लगाया गया, एम्पलीफायर लगाया गया, इसी का नाम है क्या, बूस्टर एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि ये रिसीविंग सिग्नल को बूस्ट करने का काम कर रहा है, बूस्ट करने का काम कर रहा है। कह रहा है कि व्हेन बूस्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड बिफोर द ट्यूनर इन फ्रिंज एरिया इट मे एम्पलीफाई द सिग्नल बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट एम्पलीफाई द नॉइज ऑल्सो। ठीक है, ये तो बूस्ट करने का काम कर रहा है, इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, नॉइज रिडक्शन का भी काम कर रहा है। ये सिग्नल को बूस्ट कर रहा है बट नॉइज को बूस्ट नहीं कर रहा, वही पॉइंट यहां पे लिख रहा है। व्हेन बूस्टर एम्पलीफायर इज यूज फॉर द ट्यूनर इन बिफोर द ट्यूनर इन फ्रिंज एरिया, फ्रिंज एरिया में ट्यूनर के पहले जब हम बूस्टर लगा देते हैं तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बट इसके साथ साथ सेम टाइम में वो नॉइज को रिमूव भी कर देता है, उसको नहीं एम्पलीफाई कर रहा है। कहने का मतलब नॉइज को रिड्यूस कर रहा है, उसको रिमूव करने का काम कर रहा है, तो ये नॉइज कैंसिलेशन का भी वर्क कर देता है। अब कह रहा है कि इट मे बी यूज्ड हेयर डेट एयर आरएक्स एंटीना विथ द बूस्टर कुड बी वेरी मच डिजायरेबल, इट एम्पलीफायर इंप्रूव द पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी इन द फ्रिंज एरिया। ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, ये डिजायर्ड है बूस्टर एम्पलीफायर, जो कि क्या करता है, फ्रिंज एरिया में साउंड की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव्ड कराने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में देखा। तो बूस्टर एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए, लिखते समय, कॉपी में लिखते समय, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, जब आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी हिंदी मातृभाषा को फॉलो करें और जो भी समझ में आए, जैसे वीडियो देखें कुछ भी, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही आपका, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। तो वहां पे एग्जाम टाइम में ये नहीं सोचना कि इसकी मीनिंग मैं नहीं आ रहा हूं, लिखूं या ना लिखूं, वहां पे धड़ल्ले से उसको हिंदी में भी लिख करके वहां से आगे भागना है, क्योंकि जितना देर आप सोचोगे उतने देर में कोई आपसे आगे निकल जाएगा और उतना देर में आपका टाइम भी जाएगा। तो ये सोचने वाली, हाँ सरसराहट याद है, लिखो आगे बढ़ो, मैंने लिखा आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन के, अपने मन की बात सिर्फ लिखना है, ये नहीं कि रट के आए लिख के आए, वो नहीं, अपने मन की बात लिखो, देखो आपका नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल, हर एक स्टूडेंट को ये पता होगा रिमोट कंट्रोल, और ये रिमोट कंट्रोल आप लोग यूज भी किए होंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक पूछेगा कि व्हाट इज रिमोट कंट्रोल, कंस्ट्रक्ट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिमोट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इट, ये क्वेश्चन पूछता है, या फिर पूछेगा व्हाट इज रिमोट कंट्रोल, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पूछा और डिस्क्राइब करने के लिए बोला, तो ये 6 नंबर में। अगर राइट द एप्लीकेशन पूछ देगा व्हाट इज रिमोट कंट्रोल राइट इट्स एप्लीकेशन, तो वो 4 नंबर में। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि क्या होता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जैसे हम लोग टेलीविज़न है, टीवी का चैनल चेंज करना है तो रिमोट का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज करना है तो भी रिमोट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल रिमोट कंट्रोल का बहुत ही ज़्यादा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार में गेट ओपन करने के लिए, लॉक ओपन करने के लिए भी हम लोग रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस हो गया, जैसे मान लिया जाए कोई टॉय है उसमें भी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। रोबोटिक्स में ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिमोट कंट्रोल के। तो हम लोग टेलीविज़न के क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे ये रिमोट कंट्रोल एक टीवी रिसीवर सेट से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस कहने का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि हाथों से ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रिमोट कंट्रोल के बारे में। कह रहा है कि दिस कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट हैज अ स्मॉल पोर्टेबल हैंडसेट। ये क्या है, एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न के अंदर के बहुत सारे फंक्शंस को हम लोग उस रिमोट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से वो कंट्रोल यूनिट का काम कर रहा है, और ये क्या है, तो एक पोर्टेबल है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, नहीं
सोफे पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं तब भी वहां से भी ऑपरेट कर ले रहे हैं। अब मन किया कि नहीं सो करके देखते हैं टीवी, तो बेड पे चले जाते हैं, तो वहां भी साथ में रिमोट ले करके चले जाते हैं। तो इसको आसानी से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, इसलिए क्या है पोर्टेबल सेट है और ये हैंड सेट है। सेट है कह रहा है कि बीच कंटेन ए की पैड ऑन द फ्रंट शोन इन फिगर। इसमें क्या होता है कि एक फिगर होता है, मतलब कि टेबल होता है, कीपैड का होता है। जैसे हम लोगों ने ये फिगर में देखिए, ये रिमोट कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए ये क्या है, एक रिमोट कंट्रोल का छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से कुछ रहता है, प्लस माइनस चैनल ऊपर नीचे करने का, मतलब कि आगे बढ़ाने का घटाने का, और भी बहुत तरह के उसमें पावर ऑफ ऑन ऐसे करके बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं उसमें हम लोग का दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि इन साइड द हैंडसेट देयर इज ए डिजिटल आईसी विच जनरेट्स एंड इनकोड पल्सेस एंड ए ड्राइवर एम्पलीफायर ऑफ ड्राइविंग एलईडी। देखिए उस रिमोट कंट्रोल से कुछ भी फंक्शन हमको ऑपरेट कराना है तो वो कैसे एक कंट्रोल बनाता है, तो वो उसके अंदर में क्या होते हैं, एक डिजिटल आईसीज लगे होते हैं। जब रिमोट कंट्रोल आप ओपन करोगे, बीच से खोलोगे, खराब होगा तो उसको खोल करके देखना, आपको बीच में एक पतला सीट सिर्फ नजर आएगा। वो क्या होता है, वो डिजिटल आईसी का होता है और उसमें क्या होते हैं, तो पीसीबी बोर्ड, कार्बन वाला पीसीबी बोर्ड टाइप का लगा हुआ रहता है और वो डिजिटल आईसी पे वर्क करता है। और वो ही क्या करता है, जो भी हम मान लीजिए चाहे प्लस करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो उस वाले सिग्नल को कोडिंग करने का काम करता है वो डिजिटल आईसी काम करता है। और कोड करने के बाद पल्स के फॉर्म में उसको क्या करता है, एम्पलीफायर को द्वारा दे देता है, वो ड्राइव करके वो किसको दे देता है, तो एलईडी को दे देता है। एलईडी ये एलईडी क्या करता है, तो द एलईडी जेनरेट इंडिविजुअल इंफ्रारेड लाइट। ये क्या करता है, तो एलईडी इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। देखे होंगे आप लोग रिमोट के ऊपर वाले हिस्से में ऐसा कुछ रिमोट होता है, कैसा होता है सर ऐसा कुछ रिमोट होता है, नहीं तो इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे एक एलईडी लाइट की तरह लगा हुआ रहता है, एलईडी लाइट की तरह लगा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, इंफ्रारेड किरण निकलता है और वो इंफ्रारेड किरण वहां से निकलने के बाद कहाँ जाता है, तो आपका जो रिसीवर सेट है उसका सेटअप बॉक्स है उसके पास वो रिसीव करता है इस सिग्नल को, और सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसके कोडिंग जो यहाँ करके भेजा गया है उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जो भी, जैसे मान लिया जाए चैनल को इंक्रीज करने का आपने सिग्नल भेजा तो वो चैनल को इंक्रीज कर देगा, आपने अगर साउंड को डिक्रीज करने का सिग्नल भेजा है तो वो साउंड को डिक्रीज कर देगा। द यूजेबल फंक्शन परफॉर्म बाई द इनकोडेड पल्स आर चैनल सेलेक्शन। जैसे इसी को चैनल सिलेक्शन को हम लोगों ने सी एस लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद लिख दिए हैं फाइन ट्यूनिंग, ये जो ट्यूनिंग करने का प्रोसेस है वो हो गया एफ टी, इसको शॉर्ट में। अब ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कलर कंट्रोल कर सकते हैं और ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हम इस रिमोट कंट्रोल में जितना सारा भी फंक्शन दिया हुआ उसके द्वारा हम टीवी को उस फंक्शन को ऑपरेट करा सकते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन ऑपरेट कराना चाहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ईच कंट्रोल हैज टू पोजीशन अप एंड डाउन। कह रहे हैं कि कोई भी कंट्रोल है उसमें क्या होता है, दो पोजीशन होता है, एक अप और डाउन का। जैसे वॉल्यूम है तो उसमें प्लस का भी और माइनस का भी रहता है, चैनल में प्लस का भी माइनस का भी, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि इन पोजीशन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इंक्रीजेज। अगर प्लस रहेगा करेंगे तो वो क्या करेगा, पैरामीटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब कि साउंड वाले में प्लस करेंगे तो वो साउंड को इंक्रीज करेगा, अगर माइनस करेंगे तो वो साउंड को डिक्रीज करेगा, व्हाइल द डाउन पोजीशन इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिर कह रहा है कि द कंट्रोल यूनिट एंड डिकोड बाय द माइक्रो प्रोसेसर इन द रिसीवर। रिसीवर जो है मतलब कि सेट ऑफ बॉक्स जो है, जो सेट ऑफ बॉक्स होता है वो उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। वो जो कोडिंग में जो सिग्नल आया इंफ्रा रेड के टर्म में उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको डी कोड करेगा, क्या इसमें क्या कह रहा है, इस वाले सिग्नल में हमको क्या फंक्शन ऑपरेट कराने का काम कर रहा है। वो माइक्रो प्रोसेसर का काम है उसको डी कोड करना, और उसके बाद एट द रिसीवर द इंफ्रारेड लाइट आर इंटरसेक्ट बाई ए फोटोडायोड सेंसर विच इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट पैनल ऑफ द टीवी रिसीवर। देखिए
अब यहाँ पे ये ध्यान में देना है कि वहां से रिमोट कंट्रोल से तो एलईडी क्या कर देता है, उस कोडेड सिग्नल को इंफ्रारेड में कन्वर्ट कर देता है, बट यहाँ पे जो हमारा सेटअप बॉक्स है उसमें कौन सा डायोड लगा हुआ रहता है, तो फोटो डायोड लगा हुआ रहता है, वो उस इंफ्रारेड लाइट वाला सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर को देगा और उसके बाद वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको ऑपरेट करेगा। कह रहा है कि द फोटो डायोड कन्वर्ट द लाइट पल्सेस इन टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस विच आर एम्प्लीफाइड बाई ए हाई गेन एम्प्लीफायर एंड फेड टू माइक्रो प्रोसेसर। उसे फोटो डायोड क्या करेगा, जो इंफ्रारेड लाइट आया है रिमोट कंट्रोल से उसको मतलब कि कैच करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे जो एलईडी था वो क्या कर रहा था, लाइट वाले सिग्नल को लाइट वाला कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा था, और यहां पे ये क्या कर रहा था, तो ये करेगा उस लाइट वाले सिग्नल को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद किसको दे देगा, माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। द फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर टू डिकोड द पल्सेस एंड फेड देम द डाटा बस टू द डिजायर्ड सर्किट एज वेल एज टू डिस्प्ले द कंट्रोल फंक्शन ऑन द स्क्रीन। देखिए वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको डिजायर्ड मतलब कि वो कंट्रोल मतलब कि अपने तरफ से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपना फंक्शन ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और वो डेटा बस के थ्रू किसके पास चले जाएगा, तो जहां पे फंक्शन ऑपरेट कराना है वो, और इसके द्वारा जैसे साउंड को हम इंक्रीज करने का सिग्नल दिए तो वहां पे साउंड का इंक्रीज करने का वहां से सिग्नल जनरेट हो जाएगा और वो साउंड को इंक्रीज कर देगा, जो कि हम आसानी से क्या कर पाते हैं, तो टीवी के डिस्प्ले पे देख पाते हैं, सारा कंट्रोलिंग फंक्शन को स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कंट्रोल जो हमारा ये क्या है, तो ये रिमोट कंट्रोल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। चलिए इसको अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया कि ये रिमोट कंट्रोल है, क्या है, ये हमारा रिमोट कंट्रोल है और ये हैंड हेल्ड है, कहने का मतलब अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसको हैंड होल्ड डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये कीपैड है इसका, और कीपैड के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक एलईडी लाइट लगा हुआ रहता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसमें एक डिजिटल आईसीज लगे हुए रहते हैं। जैसे ही हम मान लिया चाहिए प्लस वॉल्यूम के प्लस वाले पे क्लिक किए तो ये क्या करेगा, अपना जो कोडिंग है अपना कोडिंग करेगा। ये इसमें क्या होता है, एक डिजिटल आईसी लगा हुआ रहता है, वो इस वाले फंक्शन को कोड करेगा। कोड करने के बाद क्या करेगा, एलईडी के द्वारा क्या करेगा, इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। और वो कहां चला जाएगा, इंफ्रारेड बीम कहां चला जाएगा, तो इंफ्रारेड सेंसर के पास चला जाएगा, जो कि कहां लगा हुआ रहेगा, तो सेटअप बॉक्स में लगा हुआ रहेगा, ठीक है, एसटीबी सेटअप बॉक्स में लगा हुआ रहेगा, टीवी रिसीवर के सेटअप बॉक्स में, ठीक है, टीवी सेटअप बॉक्स में चला जाएगा। और उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अभी अभी लोगों ने क्या देखा, फोटो डायोड ये क्या करेगा, फोटो डायोड उस वाले इंफ्रारेड को सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, उस वाले सिग्नल को फिर क्या किया जाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा और कंडीशनिंग किया जाएगा पल्स में, एम्प्लीफाई करके उसको पल्स में मतलब कि बदल दिया जाएगा, और वो पल्स किसको जाएगा, तो एक माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि उस वाले सिग्नल को, जो कोडिंग सिग्नल आया, उसको क्या करने का काम करेगा, तो डी कोड करेगा। डी कोड करने के बाद उसको लाइक एज मान लिया जाए साउंड वॉल्यूम वगैरह ये सब, तो देखिए ये जो है ये क्या है, डेटा बस है, ये क्या है, डेटा बस,
इसी के थ्रू क्या होता है, कोई सिग्नल किसी फंक्शन को ऑपरेट कराने के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए एफ टी है, ये क्या है तो फाइन ट्यूनिंग है, और सी एस क्या है तो चैनल सिलेक्शन है, उसके बाद क्या है तो सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग टीवी फंक्शन। टीवी में अदर फंक्शंस भी होते हैं, मान लिया चाहे हमने वॉल्यूम इंक्रीज कराने वाला दिया है तो ये क्या होगा, इस तरह से इस वाले इस डेटा बस के थ्रू होकर के इस सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग टीवी फंक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए है तो ये वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज कराने का काम कर देगा, ये वाला ये काम करा देगा वॉल्यूम को इंक्रीज कराने का। तो इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन है जो कि ऑपरेट करा सकते हैं इस रिमोट कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर से वो सिग्नल आकर के इस डिकोडर को जा रहा था, डिकोडर डिकोड करने के बाद उसको इसी डेटा बस के थ्रू क्या हाल ले जाएगा, जहां पे हमको जिस तरह का फंक्शन ऑपरेट कराना है उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्या देख लिया, रिमोट कंट्रोल का डेटा सर्किट देख लिया, ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया। और ये देखिए कुछ एप्लीकेशंस, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं तो टीवी में एप्लीकेशन करते हैं, फ्रिज वगैरह फ्रिज कर रहे हैं, एसी को कंट्रोल करने में हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज कर लेते हैं, फिर हम लोग कहाँ पे तो डिवाइस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह में कर लेते हैं, जो हमारी कारें हैं उसके लॉक को अनलॉक करने में भी स्विच का रिमोट कंट्रोल का यूज कर लेते हैं, और फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इंजीनियरिंग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप रिमोट कंट्रोल का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस यूनिट के